वीडियो दबाई जा रही है पोस्टमार्टम वाली, क्यों दबाई जा रही है, हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कौन सी गलती भाई हमारी बेटी बहू चली गई है, है? मध्य प्रदेश के सागर के बीएमसी में सुमन पटेल की संदिग्ध मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय जनता बल्कि कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को सुमन पटेल के लिए न्याय की लड़ाई में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। युवा कांग्रेस ने सागर में सुमन पटेल के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन किया, हाथों में मसाले लिए सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का सहारा लिया। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। दरअसल सुमन पटेल की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सागर में अब गहरे आक्रोश का रूप ले चुका है। सुमन पटेल जिनकी मौत मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान हुई, उनके परिवार और समर्थक लगातार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें सुमन की मौत के वास्तविक कारणों को लेकर संदेह बना हुआ है। भाई लोग आए हैं तो आज पुलिस वाले ऐसी लाठीचार्ज कर रहे हैं, कौन सी इंसाफ है? वो वीडियो दबाई जा रही है पोस्टमार्टम वाली, क्यों दबाई जा रही है, हमारी सुनाई क्यों नहीं हो रही है, ऐसा कौन सी गलती भाई हमारी बेटी बहू चली गई है, है? इनकी समझ में नहीं आ रही है पुलिस वालों की, हम इन लोगों पे हावी हो रहा है। क्या मानते हैं आप, वो वीडियो को दबाई जा रही है, क्या उसके पीछे क्या षड्यंत्र? उसके पीछे उसमें ग्लव्स भी निकले हैं पोस्टमार्टम द्वारा, मेरे दामाद अंदर गए थे उसमें पोस्टमार्टम में, उन्हें देखा ऐसे क्या चीज है, दो पेट में ग्लव्स निकाले उन लोग, और हम यही चाह रहे हैं शासन से कि वो वीडियो कहीं ना जाए। आज हमारी बहू हमारी भाभी मरी है, और सबकी सब लड़कियों के लिए यही चीज है कि आप सबकी हेल्प करो, हम लोग की हेल्प करो, और उस 18 दिन बच्ची की हेल्प करो। हाँ, कौन देख रहा है उसके लिए, आप बताइए। 24 साल की लड़की के लिए उन्हें मार डाला पुलिस वालों ने सर, और पुलिस वाले भी उनकी पूरी साथ दे रहे हैं। चुपचाप से पोस्टमार्टम के लिए हम लोग को किसी ने नहीं बताया, चुपचाप से लेके जा रहे थे पोस्टमार्टम में। हम यही चाह रहे हैं कि शीला जैन मैम है जो, उनके लिए सजा मिली, बस हम यही चाह रहे हैं, और हमारी 18 दिन बच्ची के लिए न्याय चाहिए। आप कौन हैं उनकी? आप उनकी नंद है। फिलहाल सागर में सुमन पटेल की मौत के मामले ने अब एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मकरोनिया।